एसएसएल गेवरा प्रबंधन की मनमानी से भिलाई बाजार के ग्रामीण परेशान हैं। एसएसएल गेवरा खदान के पानी को बिना कोई योजना बनाए रात में निकासी किया जा रहा है, जिसके कारण भिलाई बाजार के दर्जनों घरों में पानी भर गया। ग्रामीणों ने नाराजगी जताते हुए शनिवार दोपहर 12 बजे से जल सत्याग्रह शुरू किया। देर शाम तहसीलदार के आश्वासन पर ग्रामीण माने। ग्राम भिलाई बाजार के निकट तालाब स्थापित है। आसपास ही व्यापक पैमाने पर खेत एवं मकान भी निर्मित है। इन खेतों और मकानों में पानी भरने की घटना हुई है। गेवरा खदान से निकलने वाला पानी रिसाव होकर तालाब में समाहित होने लगा और बड़े पैमाने पर जल भराव होने के कारण यह पानी तालाब, खेतों और घरों में प्रवाहित हुआ। ग्रामीणों के सामानों को काफी नुकसान हुआ है। घटना की जानकारी होने पर दोपहर 3 बजे एसएसएल के अधिकारी अमिताभ तिवारी, नरसिम्हा और एम के बघेल ने पहुंचकर ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण उच्च अधिकारियों को मौके पर आकर लिखित में नुकसान की भरपाई और दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही की मांग करते रहे। माकपा सचिव प्रशांत झा भी मौके पर पहुंचे। भिलाई बाजार के ग्रामीणों चंद्रभान सिंह, रथलाल पाटले, मनेंद्र प्रजापति, सोहन आदि ने एसएसएल प्रबंधन की उदासीनता और लापरवाही को घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया। वरिष्ठ अधिकारी के आने तक जल सत्याग्रह आंदोलन जारी रखा। मामला तुल पकड़ता देख सूचना पर प्रशासन की ओर से तहसीलदार शशिभूषण सोनी, हरदी बाजार चौकी प्रभारी रमेश पांडे ने देर शाम भिलाई बाजार पहुंचकर मौका मुआयना किया व आश्वासन दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, खटपट न्यूज। आप देख रहे हैं खटपट न्यूज।